गांव की मूलभूत आवश्यकताओं की कमी को सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के चलते एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद साझापुर के ब्लॉक कुवाया में स्थित बितौनी गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर है। वर्तमान में ग्रामवासियों ने हरिनंदन मिश्रा को गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। लगभग 3500 की आबादी व 1500 वोटर वाला गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो ग्राम प्रधान के द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 178 इज्जत घर, 20 स्ट्रीट लाइट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 29 प्रधानमंत्री आवास बनवाए गए हैं। वहीं पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 हैंडपंप, विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 100 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर लगवाए गए हैं। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में बारात घर, शमशान घाट, 70 प्रधानमंत्री आवास, इंटरलॉकिंग सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाला के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैंने गाँव में 29 आवास, प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, 178 शौचालय, नल मरम्मत, नाली मरम्मत, लगभग 1 किलोमीटर रास्ता खंजड़ा लगवाया पिछली साल। और आगे हमारी मांग है गांव में बारात घर, शमशान घाट और गांव की गलियां हमें इंटरलॉकिंग हो जाए, और हमारा लगभग 10,000 रुपये मानदेय होना चाहिए। 3500 में कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए। जो सांसद विधायक को पेंशन मिलती है, उनका इतना वेतन मिलता है, और हम लोगों के लिए 3500 रुपये आज के लिए कुछ नहीं है। 3500 रुपये ज़्यादा मजदूर लोग मिलते हैं उन लोगों को। कोई बड़ी लाइटें गांव में होती हैं, गांव में 1-2 लाइटें लग जाती हैं, ज़्यादा रोशनी होती है। जाते हैं रास्ते में मिट्टी नहीं पड़ने देते हैं, जब गिजाज होती है लेखपाल लाभ करते हैं, फिर भी नहीं